माय चैनल, मैं हूँ आंचल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी के थोड़े से मॉडर्न लुक, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मैंने कुछ क्रॉप टॉप्स एंड साड़ीज़ पिक की हैं अमेज़ॉन से, स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं प्लीटेड साड़ी ट्राई करूँ अमेज़ॉन से बजट में, एंड क्रॉप टॉप्स भी दिखाऊँ जो हम साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो मैंने रैंडमली कुछ क्रॉप टॉप्स एंड एक दो साड़ीज़ पिक की हैं अमेज़ॉन से, तो वही लुक्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको कुछ पसंद आता है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है ये साड़ी प्लीटेड फैब्रिक में, इस तरह का इसमें प्रिंट है ऑल ओवर, वाइट कलर का बेस है एंड उसके ऊपर रेड, मरून, ब्लैक इस तरह का प्रिंट है। एंड इसका फैब्रिक कुछ इस तरह से है, पूरा प्लीटेड फैब्रिक है एंड काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। इसका मटेरियल जॉर्जेट शिफॉन टाइप का कुछ इस तरह का इसका मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड ड्रेप करने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका लुक। सो ऑल ओवर साड़ी पूरी ऐसी ही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था किधर से यू नो पल्लू पार्ट है एंड किधर से अंदर वाला पार्ट है, सेम ही है एक्चुअली। ये फैब्रिक है जो यू नो साड़ी की तरह इसको कट करके भेज दिया गया है। इस तरह के फैब्रिक्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। एंड जो इसके साथ ब्लाउज आया है वो वाइट कलर में है, कॉटन सिल्क मटीरियल है। दिस इज़ द ब्लाउज फैब्रिक, 80 सेंटीमीटर इसमें फैब्रिक मिल जाता है ब्लाउज के लिए। सो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसमें प्लीट्स भी काफ़ी अच्छे से बनकर आ रही थी। प्लीट्स बनने के बाद जो फॉल है साड़ी का वो बहुत अच्छा आ रहा था, और लेंथ वाइज, विथ वाइज भी, हाइट वाइज भी काफ़ी अच्छी साड़ी लगी मुझे, मेरे ऊपर फिट होकर आई। सो मुझे पसंद आई ये साड़ी और मैंने इसको अभी फिलहाल क्रॉप टॉप्स के साथ पेयर किया है, तो ये सारे क्रॉप टॉप्स मैंने अमेजोन से लिए हैं। सो सबसे पहले मैंने इसको पेयर किया है इस क्रॉप टॉप के साथ, दिस इज इन ब्लैक कलर एंड इस तरह की इसकी स्लीव्स हैं, और इसका नेक डिज़ाइन आगे से स्क्वायर नेक डिज़ाइन है और स्ट्रेचेबल है एंड पीछे इसमें पूरी इलास्टिक है बैक में, तो इस तरह से पूरा स्ट्रेच हो जाता है। तो इसका फिट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसका जो लुक है ना वो मुझे बहुत पसंद आया। ऑल्दो मुझे इसका फैब्रिक कुछ इतना खास पसंद नहीं आया, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, सैटिन क्रेप टाइप का इसका मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल है, थोड़ी सी शाइन भी है इसमें, तो मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट ओके है, लाइक इस प्राइस में और क्या ही मिलेगा, इस प्राइस के हिसाब से अच्छा टॉप है। फैब्रिक वाइज अगर आप देखो, फिटिंग वाइज अगर आप देखो, तो ओवरऑल इस प्राइस में काफ़ी अच्छी डील है। सो इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा इस साड़ी के साथ। पहले मैंने इसको ना पिनअप करके पहना था, तो पिनअप करके ना थोड़ा सा बल्की सा लुक आ रहा था, लाइक ये जो साड़ी है ये थोड़ी सी फूली फूली है एंड स्पेशली ये साड़ी ना उनके ऊपर अच्छी लगेगी जो थोड़े से दुबले पतले हैं या थोड़े से यू नो फिट जिनकी बॉडी है उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये साड़ी आपको थोड़ा सा और हैवी दिखा सकती है। जब मैंने इसको प्लीट करके पहना तो बहुत ज़्यादा ना वॉल्यूम सा ऐड हो गया ओवरऑल लुक में एंड काफ़ी बल्की सा लुक आ रहा था, फैला फैला सा लुक लग रहा था। देन मैंने इसको यू नो ओपन पल्लू स्टाइल में पहना, तो स्टिल मुझे फिर ये बेटर लगा। सो इस टॉप के साथ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस तरह के टॉप के साथ ऐसी साड़ी जाएंगी, क्योंकि बहुत वॉल्यूम सा ऐड हो जाता है एंड बहुत फैला फैला सा लुक आता है। इसके साथ कोई ऐसा टॉप अच्छा लगेगा जो थोड़ा सा फिटेड हो, या फिर कोई ऐसा ब्लाउज जो थोड़ा सा फिटेड हो एंड इस तरह की जिसमें स्लीव्स ना हो, ऐसी स्लीव्स वाले टॉप अच्छे लगते हैं साटन साड़ी के साथ या फिर शिफॉन साड़ीज़ के साथ, जो थोड़ी फूली फूली नहीं होती, चिपक कर आती है, तो उसके साथ आप इस क्रॉप टॉप को कंसिडर कर सकते हैं, उसके साथ काफ़ी अच्छा लुक आएगा। सो यार, दिस इज़ द फर्स्ट लुक विद दिस साड़ी। सो सेकेंड लुक जो है वो है मेरा फेवरेट। इस लुक में मैंने इस क्रॉप टॉप के साथ अपनी इस साड़ी को पेयर किया है, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर भी है। वैसे साड़ी के साथ जो ब्लाउज आया है वो वाइट कलर में है, बट क्योंकि इसमें ब्लैक कलर भी है तो ब्लैक कलर का टॉप भी आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं, ब्लाउज भी पेयर कर सकते हैं। सो ये टॉप है वेलवेट मटीरियल में एंड पीछे इसमें ये बटन क्लोजर है एंड साइड में इसमें जिप भी है, तो प्रॉपर एक ब्लाउज की तरह फिटिंग आती है, बिल्कुल चिपक कर आता है ये ब्लाउज, थोड़ा सा हाईनेक लुक में है तो काफ़ी स्मार्ट लगता है ये ब्लाउज़ एंड इसके ऊपर ये साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत सुंदर लुक आया। एंड ऐसे ब्लाउजेस के साथ एक्चुअली आप इन साड़ीज़ को पेयर कीजिए, क्योंकि साड़ी थोड़ी सी फूली फूली है, तो जो बिल्कुल फिटेड ब्लाउज़ होते हैं जिनकी फिटेड स्लीव्स हों, फिटेड पूरा जो ब्लाउज़ है वो पूरा फिटेड हो, ऐसे ब्लाउजेस के साथ ये साड़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेगी, तो इसके साथ बहुत अच्छी लगी। एंड मैंने इसके साथ ना एक बेल्ट को भी ऐड किया है थोड़े से डिफरेंट मॉडर्न लुक के लिए, तो एक साड़ी गाउन वाला पूरा लुक आया एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये लुक। ये बेल्ट भी मैंने अमेज़ॉन से ही ली थी, अपने लास्ट हॉल वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था। सो इस बेल्ट का लिंक आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर भी लिंक कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। सो इस टॉप का फैब्रिक वेलवेट है एंड स्लीवलेस है ये ब्लाउज़ एंड पीछे और आगे दोनों तरफ से बिल्कुल क्लोज लुक आता है, पीछे ये बटन क्लोजर है एंड साइड में ये जिप की डिटेलिंग है इसको कंफर्टेबली पहनने के लिए। ऑल्दो इसको पहनने के लिए ना स्टिल स्ट्रगल करना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि ये जो बटन क्लोजर है ना काफ़ी नहीं है, लाइक जब आप ऊपर से पहनते हो तो बहुत सर फंसता है इसमें,
बट पहनने के बाद स्मार्ट लगा काफ़ी, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको पहनने में. सो ओवरऑल मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा. एंड क्योंकि इस ब्लाउज़ का जो नेक है वो क्लोज नेक डिज़ाइन है, तो मैंने बालों को अपने बांध लिया है. ओपन हेयर में इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, अगेन बहुत ही यू नो फैला फैला सा लुक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सी स्लीक सिंपल लुक के लिए अपने बालों को बांध लिया, तो ज़्यादा पॉलिश लुक मुझे इसमें मिला और ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था. एक्चुअली ये पूरा जो लुक है ना मेरी पोनी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक. एंड मैंने लुक को कम्प्लीट किया है स्टडी इयरिंग्स के साथ एंड दैट्स इट. सो नेक्स्ट मैंने एक टॉप पिक किया है ये वाइट कलर में, एंड वाइट कलर का इसका ब्लाउज ही था तो वाइट कलर के साथ भी ये साड़ी बहुत प्यारी लगी. मैं आपको लुक दिखाती हूँ अभी. सो ये जो टॉप है इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की हैं, एंड जिसका नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऐसे छोटा सा नेक है इसमें, बिल्कुल छोटा सा ना ऐसे कट कर दिया है. सो मैं ये सोची थी कि कैसे इसको मैं पहन पाऊँगी, बट एक्चुअली इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन पूरा ही चला गया अच्छे से. एंड जो इसका लुक आया ना पहनने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, एकदम फिटेड लुक आता है इसका नेक पे, एकदम ऐसे हक करके आता है इसका फैब्रिक. सो इसीलिए इसमें इतना छोटा नेक दिया हुआ है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इसका नेक बड़ा कर देते ना तो लूज़ लुक आ जाता, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता. बट अभी ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पहनने के बाद, काफ़ी फिटेड लुक आता है. एंड स्लीव में थोड़ा सा वॉल्यूम है तो काफ़ी स्मार्ट लगता है, यूनिक लगता है. एंड काफ़ी लंबा है ये टॉप ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्रॉप नहीं है, थोड़ा सा नीचे तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका मिडरिफ नज़र नहीं आएगा. तो हाई वेस्टेड बॉटम स्कर्ट्स पैंट्स वगैरह के साथ ये अच्छा लगेगा बहुत, बिल्कुल भी मिडरिफ आपका नज़र नहीं आएगा. एंड साड़ी के साथ भी ऑफकोर्स आप इसको पहन ही सकते हैं, तो मैंने इसको अपनी इस साड़ी के साथ पैक किया. एंड इसके साथ ना मैंने इसको ओपन पल्लू स्टाइल में पहना है एंड स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहने हैं एंड दैट्स इट. दिस इज़ द कम्प्लीट लुक, एंड ये लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. ओके सो इस साड़ी में मरून कलर भी है, तो मैंने ये मरून कलर का टॉप भी अमेजोन से पिक किया था इसके साथ पेयर करने के लिए. ये टॉप मुझे बहुत पसंद आया, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ऊपर इसमें मैश की डिटेलिंग है एंड बीच में इसमें पट्टी आ जाती है, नीचे अगेन इसमें मैश की डिटेलिंग है. सो एज अ टॉप मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये ना पहनने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरकता रहता है, तो इसका फिट थोड़ा सा मुझे अजीब तरीके से आया. आई डोंट नो, मुझे ही ऐसा फिट आया है. अदरवाइज पूरा जो इसका फैब्रिक वाइज प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छा टॉप है, बट मेरे ऊपर इसका फिट इतना अच्छे से नहीं आया. एंड इस साड़ी के साथ ये बहुत स्मार्ट लग रहा था, कलर इसके साथ मैच हो गया मरून कलर के साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये कॉम्बिनेशन भी. एंड मैंने इसके साथ वाइट कलर में इयररिंग्स पहने हैं, ये मीनाकारी इयररिंग्स पहने हैं मैंने, इसमें वाइट कलर भी है मरून कलर भी है, तो इसके साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. सो इस तरह से मैंने ये पूरा लुक अपना कम्प्लीट किया एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे लुक. ये टॉप भी अच्छा है बट थोड़ा सा मुझे फिटिंग में इशू आया, सो या ये वाला टॉप मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया. ओके जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है ये भी प्लीटेड साड़ी मैंने पिक की है, स्पेशली मुझे प्लीटेड साड़ी लुक्स ही आपको दिखाने थे. सो दिस इज़ द साड़ी. सो ये इसका अंदर वाला पार्ट है जहाँ से साड़ी आप ड्रेप करना शुरू करते हैं. प्लीटेड फैब्रिक है इसका भी, अगेन सेम फैब्रिक है, जॉर्जेट टाइप का मटेरियल है. एंड इसमें फिर ये प्लीट्स वाले पार्ट से, प्लीट्स के बाद वाले पार्ट से ये प्रिंट शुरू हो जाता है, ये कलर्स शुरू हो जाते हैं इसमें, ग्रीन येलो ब्लू कलर का पूरा कॉम्बिनेशन. काफ़ी प्यारा ये पूरा कॉम्बिनेशन लगा मुझे, काफ़ी यू नो समरिश वाइब्स आती हैं साड़ी को पहन के, तो दिन के लिए बहुत ही अच्छी साड़ी है, दिन के लुक के लिए काफ़ी सुंदर लगी ये साड़ी भी, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा. सो इस साड़ी के साथ ये पूरा प्लेन येलो कलर में ब्लाउज आता है, इसका भी मटेरियल सेम है, सेम प्लीटेड फैब्रिक है इसका, सेम जॉर्जेट मटेरियल है. ये वाली साड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से, एंड इसकी लेंथ एंड विड्थ भी काफ़ी अच्छी थी, हाइट वाइज मुझे बिल्कुल भी ये छोटी नहीं पड़ी साड़ी. सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डील है इस साड़ी की भी, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे रेड एंड वाइट वाली साड़ी का फॉल ज़्यादा पसंद आया, उसके फैब्रिक की जो प्लीट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बन के आई. आई डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस, मुझे तो दोनों का फैब्रिक सेम ही लग रहा है, बट इसकी प्लीट्स उतने अच्छे से फ्लॉन्ट नहीं हो रही थी जितनी वाइट वाली साड़ी की फ्लॉन्ट हो रही थी. सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस, अदरवाइज दोनों ही साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, फैब्रिक वाइज बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से देखें तो इट्स अ गुड डील. एंड इस साड़ी को भी मैंने अपने इस वाइट ब्लाउज के साथ ही स्टाइल किया था, और मैंने इसके साथ एक वाइट बेल्ट को भी ऐड किया और वाइट कलर की ये इयररिंग्स पहने. सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक. ये वाला लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बेल्ट ऐड करने के बाद एक्चुअली ये लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था. अदरवाइज इसके साथ ना थोड़ा सा फिटेड ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, जो ऐसी साड़ी होती है ना थोड़ी सी प्लीटेड वाली, थोड़ा सा फुला फुला लुक आता है क्योंकि, तो इसके साथ जो ब्लाउज है ना वो हमेशा फिटेड ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसके साथ भी अच्छा लग रहा था, बट जो बेस्ट रहेगा वो उसके साथ फिटेड ब्लाउज रहेगा, जैसे मैंने अपनी वाइट
रेड वाली साड़ी के साथ ये जो ब्लैक फिटेड ब्लाउज पहना, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे पूरे वीडियो में। आपको सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइज, तो ये देखो साड़ी लुक्स विद क्रॉप टॉप्स, थोड़े से मॉडर्न हैं एंड बहुत ज़्यादा बजट में भी हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें अमेजोन से मिल जाएंगी। लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी वाली साड़ी अच्छी लगी किस क्रॉप टॉप के साथ, और मुझ पर कौन सी अच्छी लग रही थी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।